बीरबल साहनी को, जिनका जन्म 14 नवंबर 1891 को हुआ था। उन्हें भारतीय पैलियोबॉटनी का जनक माना जाता है। बीरबल साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण शोध किया है। पौधों के जीवाश्म पर उनके शोध मुख्य रूप से जीव विज्ञान के विभिन्न विभागों पर आधारित थे। इसके अलावा उन्होंने धरती के तहों के विज्ञान यानी स्ट्रेटोग्राफी, पूरा जीवाश्म भूगोल यानी पैलियोजियोग्राफी तथा भूविज्ञान का भी अध्ययन किया। उन्होंने उत्पत्ति की प्रक्रिया तथा भौगोलिक वितरण को समझाने के लिए पौधों की जीवित प्रजातियों जैसे नेफ्रोटेप्सिस, निफोबोलस तथा टेक्सस पर शोध किया। इनके अलावा उन्होंने गोंडवाना लैंड में पाए जाने वाले विशेष पौधों के अवशेषों ग्लॉसोप्टेरिस पर भी विस्तार से काम किया, जिससे भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा चीन और सुमात्रा में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बीच अंतर स्पष्ट किया। साहनी ने डेक्कन के इंटरट्रैपियन बेड्स में पाई जाने वाले पौधों के अवशेषों का भी अध्ययन किया। उन्होंने पौधों के जीवाश्म से जुड़े दो विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य किया, पूरा जीवी फर्न का शरीर रचना विज्ञान तथा आकृति विज्ञान और गोंडवाना लैंड के भारतीय विभाग में पाए जाने वाले पौधों के जीवाश्म। 1936 में साहनी को लंदन के रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। बीरबल साहनी ने टंकन विज्ञान के क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान दिया तथा मिट्टी के सिक्कों के ढांचे की खोज की। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किए जाते हैं और भारत में पूरा वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।